जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत देवों को मिला था और विष जो है असुरों को मिला था। तो आप विष मिलेगा कि अमृत मिलेगा आप तय कर लेना, अमृत काल तो हो ही गया ना, अमृत मंथन चल रहा है। हमारे लीडर्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट में बार्गेनिंग करते हैं, इंडिविजुअल कि मुझे मंत्री बना दो जी, अरे ऐसा ऐसा मंत्री का आचार करेंगे जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, डर के मारे उठक बैठक करता है। इसी मंत्री कितना डेथ वारंट लिखवाया जा रहा है, सोशल जस्टिस का लॉ मिनिस्टर है दलित, राष्ट्रपति ट्राइब, प्रधानमंत्री कथित पिछड़ा, और सारा सोशल जस्टिस का डेथ वारंट लिखा जा रहा है। ये तो समाज आपको तय कर रहा है ना कि बचेगा रुकेगा कि खत्म हो। ये दलित सब जो भाषणवाद है सब मनु, जवाहरलाल नेहरू मनुवादी है, सब इंदिरा गांधी है, सब मनुवादी है। उसी मनुवादी रिजीम में अगर बाबा साहब 56 में चले गए, अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बनाए जाते, सस्ता एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, IITs, मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए जाते इन्हीं मनुवादियों के द्वारा, तो ये जितना लोग ये टाई कोट पहन के घूम रहा है अभी, बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ रहता तो जितना टाई कोट पहन के घूम रहा था कोई नजर भी आता कहीं? दलितों को जो अधिकार मिले तो उस समय तो कोई प्रधानमंत्री नहीं था। अंबेडकर सरकार बना के अधिकार दिलवाए थे कि कम्युनिकेशन, बार्गेनिंग, डेलीगेशन, मेमोरेंडम, आर्गुमेंट दिलवाया था ना उन्होंने, सरकार तो कभी नहीं बनी उनकी। मैंने इलाहाबाद में अभी कहा था कुछ दिन पहले कि ये जो हिंदू राष्ट्र आ रहा है इसके दो मजबूत कंधे हैं, एक कथित अंबेडकरवादी और एक कथित समाजवादी। आपने जिस नोट पे खत्म किया, मेरा नाम यशवंत है, मैं मुंबई इसमें PhD कर रहा हूँ कि आगे क्या, तो क्योंकि सेंसस में सिर्फ हेड नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ लोग कितने हैं यही नहीं काउंट होगा, बट सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति का भी एक एनालिसिस आएगा, इसका भी डेटा आएगा और उससे वेलफेयर सामाजिक कल्याण की नीति बनाई जा सकती है। और जैसे कि आज जो OBC है उसके लिए कुछ अलग से मिनिस्ट्री नहीं है, कुछ बजट नहीं है, कुछ सामाजिक कल्याण की और नीति नहीं है, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज आपको नहीं लगता है क्या सेंसस के बाद हो सकती है? एकदम हो सकती है, और आपने जो कहा एकदम सही कहा है। मेरा सवाल थोड़ा सा इसका जवाब कुछ अलग है। जो सवाल दिल्ली में कुछ लोग हैं जो हल्ला करते रहते हैं, हमारे जैसे कुछ पागल लोग हैं, सवाल ये है कि समाज में ये डिमांड है क्या? अरे भाई मैं विटामिन कितना लेता हूँ, कार्बोहाइड्रेट कितना लेता हूँ, इसका भी सैंपलिंग गवर्नमेंट कर लेती है। कितना फूड आप ले रहे हैं कैसे पता लगा कि 5 किलो अनाज 80-81 करोड़ को देना है? आंकड़े तो आपके पास है ना, कितने लोगों के पास कार है सही भी पता है। खाली कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, इससे इंटेंशन साफ है कि सोसाइटी को स्टेटस को में रखना है। और ये कहने में क्या हर्ज है कि अभी जो रिजीम है वो संविधान के शपथ लेके जरूर आया है लेकिन उसकी ज्यादा आस्था मनुस्मृति में है। 10 साल में कितने यूनिवर्सिटीज खुले हैं जरा ये बता दीजिए, और कितने OBC के वाइस चांसलर हैं जबकि OBC प्राइम मिनिस्टर, कितने वाइस चांसलर हैं ये बता दीजिए। तो इंटेंशन इज वेरी क्लियर, आपको क्या चाहिए समाज, वो क्या चाहिए समाज। हम कितना भी हल्ला करते रह जाएंगे मेरे कहने पे तो मुझे वोट देगा कोई नहीं देगा, रग रग में जाके ये बता दिया है कि तुम्हारा हिस्सा ये खा गया, इसका हिस्सा ये खा गया, और अपने बारे में नहीं बता रहा है कि हमने किस किस के सबका हिस्सा खाया है, सबका हिस्सा मैं खा गया ये नहीं बता रहा है। तो इस समाज में देखिए सब ज्ञान की लड़ाई है, विमर्श के लिए, जब तक घर घर से बच्चे इस पर डिबेट नहीं करेंगे, अपने घर में कन्विंस नहीं करेंगे, नौकरियां कहाँ हैं? अरे मैं अपने बचपन में देखा हूं, मुझे 3 नौकरियां मिल चुकी है भाई साहब, मेरे भाई को 2 नौकरियां मिल चुकी है। पहले देखता था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके नाम लिखा लो, 1-2 महीने में नौकरी लग जाती थी। ठीक है एम्प्लॉयमेंट, आप लोग जो आपके जनरेशन के लोग सबको 2-2, 3-3 नौकरियां मिली हैं सबको, यही लोग कह रहे हैं कि भाई ये सब जो है ना मनुवाद थे, पूरा सिस्टम मनुवादी था।
तो अच्छा भाई 47 में 50 में तो फिर मनुस्मृति ही लागू हो जाना चाहिए था, संविधान क्यों लागू हुआ भाई? गांधी अंबेडकर अभी होते अभी तो उनका पॉलिटिकल लोकेशन क्या होता जरा बताइए मुझे, वो आपस में लड़ते कि एक साथ रहते? जब सावरकर गोलवलकर सामने हो तो जवाहरलाल अंबेडकर तो साथ ही नजर आएगा ना, लेकिन समाज दोनों को सो, किसी कोई पढ़ा नहीं ना किसी ने, बहुत सारे संगठन वाले दिन भर चिल्लाते रहते हैं गांधी ने धोखा दिया, जगजीवन राम ने धोखा दिया, लेकिन उसके पीछे और कलाकार सब जो साइड में चल रहा था हिंदू महासभा RSS वो पढ़ा ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं है कि असली खेल तो वहां है भाई। पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट में सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था ना, उसमें सरकारी नौकरियों में भी रिप्रेजेंटेशन की बात थी। तो ये समाज चूंकि 10-20 साल से ही लोग इतना काम किया, सबको सिखला दिया है, कहीं जब मुसलमान एक जगह खड़ा कर देता है बोलता है देखो मुसलमान से देश को खतरा है। अब वो जाट पहले हिंदू थे, अब पहलवानों का केस हुआ तो वो जाट हो गया। किसान पहले किसान, जय जवान जय किसान, और जब हक के लिए सड़क पे उतरा बोला खालिस्तानी है। तो हर के सामने एक शत्रु खड़ा करना, कैसे अदराइज करेंगे ये करना, और इन बारीकियों को उसके लिए पूरा रिसर्च टीम काम करता है। पहले बदनाम करो, हेट करो, ये सब तमाम चलता रहता है एक साथ, पहले खरीदो नहीं भी जब बदनाम करो। तो सब कुछ हो सकता है, किसके पास कितना शर्ट है ये सरकार पता कर सकती है, तो कितनी जाति है, किन जाति में कितने लोगों के पास क्या है। ऑक्सफर्म का रिपोर्ट आप नहीं पढ़ते हैं, आप तो टिस में तो सब कुछ पढ़ाया जाता है, उसमें देख नहीं रहे कि 1% लोगों के पास कितनी संपत्ति, आंकड़ा तो है सामने। इसके लिए पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, और जो मैं समझता हूं कि भाजपा सरकार में नहीं है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे चुके हैं कि हम कास्ट सेंसस नहीं कराएं। जाति तो ऐसा है जो पैदा होंगे या मर जाएंगे तब भी खत्म नहीं होगा, तब भी नहीं खत्म होगा। जाति खत्म करने का मेरे नज़र में जो परिभाषा है कि आप अपने निजी और सार्वजनिक जीवन में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव न करें, यह मेरी परिभाषा है कि मैं एक जाति में पैदा हूं, मेरे वश में नहीं था, लेकिन हम अपने जीवन में निजी आचार, जैसे मान लिया कि मुझे भाई चांसलर का पद मिला सपोज, और मैं जाके अपने ही जात वाले का खाली अपॉइंटमेंट करूं, तो यह ब्राह्मणवाद है। आप भेदभाव, यही जाति का उन्मूलन है, बाकी हमारे खत्म करने से नहीं होने वाला है। जो शीर्ष पे बैठा है, जिस दिन उनको लगा कि अब जाति से हमको नुकसान होना शुरू हो गया है, वो सफलतापूर्वक वही जाति खत्म करेंगे। इसलिए जातियों का टूटने का मतलब मेरी नज़र में है कि जैसे बहुत हायरार्कीज हैं ना, OBC दलित का अलग प्रॉब्लम है, दलित के अंदर जातियों का प्रॉब्लम है। इसलिए अब मैंने इलाहाबाद में अभी कहा था कुछ दिन पहले कि ये जो हिंदू राष्ट्र आ रहा है इसके दो मजबूत कंधे हैं, एक कथित अंबेडकरवादी और एक कथित समाजवादी। इतने पॉलिटिकल आकांक्षाएं, इंस्पिरेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर कितने अंबेडकर पटना से लेके और दिल्ली तक खाली संसद भवन बनवा दो तब भी कम पड़ जाएगा सीट। सबको नेता ही बनना है, सबको नेता बनना है, किसी को और प्रोफेशनल सब बनने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये बात रूलिंग एलिट समझ चुका है। किसी ब्राह्मण को आपने कहा है दावा करते हो कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आराम से उसका एजेंडा चल रहा है भाई साहब, पूरी कल्चर मिनिस्ट्री, विश्वविद्यालय, जुडिशरी सब उसके हिसाब से चल रहा है, आप प्रधानमंत्री बने रहो, हमारे गीत गाओ। तो मेरी समझ में कि जातियों को सिर्फ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। कांशीराम जी ने एक्सपेरिमेंट किया था, और ये पूरी लड़ाई ये ज्ञान का विमर्श है, ज्ञान की लड़ाई है। एक्सपेरिमेंट किया था, बहुजन बना, उसके बाद हर जाति का एक नेता बन गया। तो जब तक इस समाज में ये बात नहीं पहुंचाया जाएगा, हम लोग दिन रात ये क्यों कह रहे हैं, ये जब तक उसको कन्विंस नहीं किया जाएगा कि तुम्हारे नेता से काम नहीं चलने वाला है तुम्हारा,
तुम्हारे बच्चों का स्कूल एजुकेशन तमाम ये सब, जब तक ये नहीं समझेगा, जब तक विचारधारा आइडियोलॉजिकल बैटल पे उसको नहीं ले जाया जाएगा, तब तक ये संभव नहीं है। दूसरा, हम लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम लोग हर जगह जाके नहीं बोल सकते। हमारे लिए जाति का होना, मेरे लिए अगर ब्राह्मण भी प्रधानमंत्री बन जाए और हमारा एजेंडा लागू करे तो मैं समझूंगा कि वही ठीक है। दलितों को जो अधिकार मिले तो उस समय तो कोई प्रधानमंत्री नहीं था। अंबेडकर सरकार बना के अधिकार दिलवाए थे कि कम्युनिकेशन, बार्गेनिंग, डेलीगेशन, मेमोरेंडम, आर्गुमेंट दिलवाया था उन्होंने। सरकार तो कभी नहीं बनी उनकी। अंग्रेजों से जाके साउथ ब्रोक कमिटी में पेश हो रहे हैं, साइमन कमीशन में मेमोरेंडम दे रहे हैं, गोल में जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, जब देखे कि मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में नहीं जाऊंगा तो स्टेट एंड माइनॉरिटी के जवाहरलाल नेहरू को दिया कि हमारे लिए कुछ इसमें कीजिए। वो कम्युनिकेशन भी करते थे ना, गांधी के साथ संवाद भी करते थे। तो कुछ दलित जो बहुत संगठन वाले हैं कि गांधी ही सबसे बड़ा शत्रु उनको नजर आ रहा है, उनको गोलवलकर और सावरकर नजर नहीं आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू और जब अंबेडकर बैठते होंगे तो हेलो भी करते होंगे ना, कैबिनेट में चाय भी पीते होंगे। ये दलित सब जो भाषणवाद है सब जवाहरलाल नेहरू मनुवादी है, सब इंदिरा गांधी है, सब मनुवादी है। उसी मनुवादी रिजीम में अगर बाबा साहब 56 में चले गए, अगर पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बनाए जाते, सस्ता एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, IITs, मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए जाते इन्हीं मनुवादियों के द्वारा, तो ये जितना लोग ये टाई कोट पहन के घूम रहा है अभी, बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ रहता तो जितना टाई कोट पहन के घूम रहा था कोई नजर भी आता कहीं? लेकिन पढ़ लिख के नौकरी कर लिया, लेकिन अभी जो पेचीदगियाँ हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं पॉलिटिक्स की, सोसाइटी की, उसकी बारीकियों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक कैसे होगा? हमें राइट चाहिए कि हमारे जात का नेता चाहिए? दो में से चुनना पड़ेगा। मुझे तो राइट चाहिए भाई, है ना। हमारे समाज के बहुत सारे प्रोफेसर होने चाहिए, जजेज होना चाहिए, नेता तो बनेगा 545 ही MP, लेकिन नौकरी और बिजनेस तो लाखों लाख लोग कर सकते हैं। और जिस समाज का बुर्जुआजी स्ट्रांग नहीं है, जिसका मिडिल क्लास नहीं है, वो समाज कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हर समय लीडरशिप, पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल लीडरशिप इसी क्लास से आता है। तो तबीयत से BJP RSS मिलके ये मिडिल क्लास जो बना है ना, जो पटर पटर बहुत कर रहा है, 15 साल बाद इसके पास पैसे नहीं होंगे, पेंशन खत्म है, सरकारी नौकरी खत्म है, व्यवसाय आपके पास है नहीं, बिजनेस है नहीं, जमीन है नहीं, क्या करेगा? लड़कियों की शादियां अभी ही नहीं हो रही है, मैं तो घूमता हूं ना, तो क्या चाहिए? तो सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, सरकारी नौकरी है नहीं तो 10 साल ठहर जाइए, बेटियां कुंवारी रहेंगी। ये समाज को समझना पड़ेगा ना। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स में नहीं देखता, पॉलिटिक्स बार्गेनिंग का भी खेल होता है। हमारे लीडर्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट में बार्गेनिंग करते हैं, इंडिविजुअल कि मुझे मंत्री बना दो जी, अरे ऐसा ऐसा मंत्री का आचार करेंगे जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, डर के मारे उठक बैठक करता है। इसी मंत्री कितना डेथ वारंट लिखवाया जा रहा है, सोशल जस्टिस का लॉ मिनिस्टर है दलित, राष्ट्रपति ट्राइब, प्रधानमंत्री कथित पिछड़ा, सारा सोशल जस्टिस का डेथ वारंट लिखा जा रहा है। ये तो समाज आपको तय कर रहा है ना कि बचेगा, रुकेगा कि खत्म हो। एक नहीं मिला, बाकी दो तो मिला। इसी संदर्भ में कहा था कि जितना मिला उसको प्रोटेक्ट कीजिए एंड फर्दर लड़िए आगे अधिकार के लिए। हाँ, क्या कर रहा है हमारा समाज? जो मिला है उसको भी खत्म कर रहा है, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देख रहा है, समझ रहे मेरी बात? तो जो असली रिजर्वेशन था वो तो खत्म हो रहा है, और जो 10-10 साल के लिए है वो देखिए कितना चालाक है रूलिंग लिए, इसके जात का नेता बनाना है बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको TA ही तो लेना है, संसद में बोलना थोड़ा ही है। ठीक है, इज इट क्लियर? हम साधु बाबा नहीं है कि समाधान देंगे, समाधान आप सोचिए। शुक्रिया। But due to keep us
इनकम सर्टिफिकेट नहीं होता है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और प्रोड्यूस कर सकते हैं बट फेक हो सकता है, तो वो कम्युनिटी ईडब्ल्यूएस का बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रही है। ये आपका जवाब भी है, आपके सवाल का जवाब भी है। कुछ नहीं, राम राज चल रहा है अभी, यहाँ सब कुछ चलेगा। आपको मैं बताऊं कि फर्जी सर्टिफिकेट पे प्रोफेसर और वाइस चांसलर बन रहे हैं, शो मी योर फेस आई विल शो यू द रूल्स, जात अपनी दिखाओ तुम्हें हम कानून बताते हैं। मैं दावा कर रहा हूं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोफेसर और प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं। सबका सर्टिफिकेट निकाल लो जितने अपॉइंटमेंट हुए हैं पिछले 5 साल में, दावा कर रहा हूं। किसी ऐसे एजेंसी से जांच करा लो जिसके दिमाग में जनेऊ नहीं हूं। मैं पढ़ाता हूं हिंदू कॉलेज में, मेरे प्रिंसिपल का बायोडाटा निकाल के दिखा दो मुझे, मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। बोलो, जो प्रिंसिपल बनी है वो जो फॉर्म भरी है उसका आर्टिकल कितने लिखे हैं, लेक्चर कितने दिए हैं, कितने बुक पब्लिश किए हैं, आप खाली निकाल के मुझे दिखा दो, मैं नौकरी रिजिग्नेशन लिख देता हूँ अभी। तो ये सब बहस, अब ये इक्वालिटी और लॉ और जस्टिस, फॉरगेट अबाउट इट। कह रहे हैं कि भाई माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, सारे देखिए तो कितने माफिया एक लाइन से खड़े हैं वहाँ पर। उत्तर प्रदेश की रामराज की बात कर रहा हूं, तो बुलडोजर कुछ ही घर पहचानता है ना, कुछ ही समुदाय को पहचानता है। बंगाल में बलात्कार हुआ, एक्शन होना चाहिए, हम लोग सब यस, वहां प्रधानमंत्री जाके भाषण देते हैं, तो उत्तर प्रदेश तो बगल में ही, वहां क्यों नहीं चले जाते हैं? तो ये सब छोड़ दीजिए, ये सब जो लोग अभी जो संविधान बना था उसका विरोध, मुखर विरोध आरएसएस ने किया था उस समय, तो वो पावर में है, तो उसको संविधान इक्वालिटी आईपीसी सीआरपीसी से क्या मतलब? संविधान का ढांचा खाली दिखाया जाएगा आपको कि बाबा साहब थे, उन्होंने संविधान बनाया था, पूजिए। और ये दलित भी जो है ना, बाबा साहब को सिर्फ टाई सूट और मूर्तियों में तलाशता है, विचारों में नहीं तलाशता है। तो ये सब भूल जाइए, अभी कुछ नहीं है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू की बात कर रहा हूं, आप बायोडाटा मुझे दिखा दो। बहुत सारे जजेस भी जैसे आ रहे हैं आपको पता ही है। तो ये फेयर और ये सब तमाम कानून वगैरह, मॉडर्न लीगल सिस्टम, ये तो वकील साहिबा ज्यादा बताएंगे। ये सब यहां कुछ नहीं चलता है, जाति अपना बताओ, गुलाम बन के रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, रहो, तुमको कुछ कुछ खाने पीने के लिए दे दिया जाएगा। जो सवाल खड़े करेंगे, डू यू नो माई केस, वॉट इज हैपनिंग विथ मी, वॉट हैज हैपन्ड, आई वॉज अरेस्टेड फॉर अ डे, नेक्स्ट डे बेल मिला, FIR, ऐसे FIR होते रहते हैं। मेरे प्रमोशन रोक दिए गए, लंदन में जाकर लेक्चर देने से रोका, हर विदेश जाने से रोक दिया, छुट्टी पुट्टी सब बंद। अब बगल में 500 मीटर दूर एक और कॉलेज है जिसका नाम है दौलत राम कॉलेज, रितु सिंह का आंदोलन आपने देखा ही होगा, द प्रिंसिपल वो चार्जशीटेड बहुत ही हीनियस और क्रिमिनल केस में, उस पर एक्शन हुआ, वो विदेश अमेरिका घूम रही है। प्रधानमंत्री जी ये घर से महज 15 किलोमीटर दूरी पे मैं बात कर रहा हूं महज। तो ये फेयर ये सब भूल जाइए, ये सब कुछ नहीं है। जो लड़ेगा बोलेगा उसको कीमत पे करने के लिए तैयार रहना चाहिए, बाकी गुलामों की फौज तो भरी पड़ी है यहां से लेकर संसद तक, तो दो ही रास्ते हैं ना, आप सवाल करिएगा तो आपको कीमत पे करना पड़ेगा। दूसरा आप कुछ पूछ रहे थे, और पहला भूल गया, दूसरा ठीक है। और नाम वीरू है, मेरा सवाल एक समझ को थोड़ा बेहतर करना चाह रहा हूँ आपसे। आपने एक बात कही थी कि जो गरीबी है वो आरक्षण से नहीं है, वो कुछ नीतियाँ जो सरकार ने नीतियाँ बनाती है उससे गरीबी ज्यादा बढ़ रही है, क्या इस समझ को थोड़ा बेहतर कर पाएंगे आप?
नहीं, आखिरी सवाल है, नहीं और एक सवाल है तो दोनों, हाँ बोल दीजिए। और किसी और का भी सवाल है हर्ष भाई के यहाँ पे? मेरा ये सवाल था कि अगर फास्ट बात कर रहे हैं तो ये देखने में आता है कि माइक की प्रॉब्लम है। मैं ऐसे बताऊँ कि जैसे आज का अपन बात कर रहे हैं कार्तिक के सर का, जैसे कई बार देखने में आता है कि जो ब्राह्मण से जुड़े हुए लोग हैं उनके विचार ऐसे होते हैं कि जो अम्बेडकर जी ने वो एक कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं संविधान से निधन लेके, वो जो संविधान बना है वो हमारे लिए तो नहीं है क्योंकि वो एक कास्ट से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो कास्ट से जुड़े हुए व्यक्ति ही उस संविधान को बना नहीं, खाली कास्ट ही संविधान में कास्ट ही है, नहीं वो कास्ट भी कास्ट से जुड़ के देख रहे हैं, बस उनको जोड़ने दीजिए, उनकी समझ ही इतनी है। हाँ उनको जोड़ने दीजिए, वो अपने उनके अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज में जो फिट नहीं बैठेगा ना वो सब खराब है, ठीक है। अंबेडकर साहब का भी पूजा सबसे ज़्यादा फूल माला लेकर घूम रहे हैं वो, क्योंकि अंबेडकर हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल सेंटर, वोट चाहिए, उनका बस चले तो अंबेडकर को दफना दे मिट्टी में, ओरिजिनल बात ये है। संविधान में सिर्फ कास्ट है, संविधान का लाभ सिर्फ शेड्यूल कास्ट ने लिया, वोटिंग राइट पहले था वो खाली शेड्यूल कास्ट को मिला, प्रॉपर्टी राइट्स खाली शेड्यूल कास्ट को मिला, नहीं ना? आप बायस्ड हैं, जिंदगी में किसी के स्कॉलरशिप को आप नहीं मानेंगे, वैसे लोग को कह रहा हूं आपको नहीं कह रहा, आप किसी के स्कॉलरशिप के बारे में नहीं मानेंगे, आप कूड़ा करकट लिखेंगे उसको ही बोलेंगे बहुत विद्वान आदमी है, कूड़ा करकट में कह रहा हूं, कथा कहानी को आप एकदम आप बना देंगे महाकाव्य, और कोई साइंटिफिक थीसिस लिखेगा वो आपके नजर में नहीं। मैं ये कह रहा हूं जो एजुकेशन सिस्टम अभी चल रहा है, जस्ट वेट 10 ईयर्स, जो साहब लोग हैं ना उनके बच्चे एलीट कॉलेज में पढ़ते हैं, जब उनके दिमाग में कूड़ा करकट घुस जाएगा तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जाएंगे तो लोग हंसेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? वो कुछ भी कर ले अंबेडकर उनके लिए कोई, खाली वोट लेने के लिए अंबेडकर को ताली बजाते हैं, अंबेडकर उनकी नजर में कोई स्कॉलर नहीं है, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, कोई जर्नलिस्ट नहीं है, कोई स्टेट्समैन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वोट का सिस्टम हटा दीजिए तो अंबेडकर एक किताब उताब ले जाकर समुंदर में डालाएगा ये पूरा, वो अमृत काल उनका है, अमृत काल हो गया ना घोषणा, राम से राष्ट्र देव से देश, तो अमृत काल चल रहा था, अमृत काल में विश्व किसको मिलने वाला है? जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत देवों को मिला था, अब विश्व जो है असुरों को मिला था, तो आप विश्व मिलेगा कि अमृत मिलेगा आप तय कर लेना, अमृत काल तो हो ही गया ना, अमृत मंथन चल रहा है। जी साहब, हाँ आपके सवाल पर मैं ये कह रहा हूँ कि द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन मिडिल क्लास, राइट, ये किससे हुआ? ये हुआ पब्लिक सेक्टर यूनिट से, सस्ता एजुकेशन, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर। मैं समझता हूँ कि मॉडर्न इंडिया के दो बड़े नाम हैं, अंबेडकर ने स्टेट एंड माइनॉरिटी लिखा, वो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया आइडिया दिया था अंबेडकर ने, और बहुत सारे आइडिया जो उसमें था जवाहरलाल नेहरू ने किस्तों में इम्प्लीमेंट किया, बाद में इंदिरा गांधी ने भी इम्प्लीमेंट किया उसको। तो आप 90 के पहले तक आइए, भारत की पॉलिसी क्या थी? जहां जरूरत होगी पब्लिक सेक्टर, जहां जरूरत होगी प्राइवेट सेक्टर। तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, इसके जो मिडिल क्लास का जो फॉर्मेशन हुआ, शहरी मिडिल क्लास, वो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज और सरकारी नौकरियों से हुआ। एम राइट और रॉन्ग? ठीक। तो गरीब घर से भी लोग सरकारी स्कूल में 54 फीस दे के, वजीफा लेके स्कॉलरशिप मिलता था स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए। अब तो सब खत्म हो रहा है, ये सब स्कॉलरशिप वगैरह भूल जाइए सब। अब स्कॉलरशिप मिलते थे सरकारी स्कूल में 54-58 में, लोग पढ़ के कलेक्टर SP जज बने, सब सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ है, जितने साहब लोग हैं बड़े बड़े।
जब आपने लिबरलाइजेशन, देखिए लिबरलाइजेशन में या बेचाईकरण में अंतर है, लिबरल इकोनॉमी के साथ पब्लिक पब्लिक सेक्टर यूनिट चल सकता है, चाइना एग्जांपल है। तो जब 90 के बाद जब आया एलपीजी, जब उसके बाद पहली बार जब लागू हुआ उस समय नहीं बेचा गया कोई भी, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बना, सही है। बेचाईकरण कब से शुरू हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। यूपीए 10 साल चला, 3 बिके 23 बने भी, यूनिवर्सिटीज भी खुले। पिछले 10 साल में आप बताओ कि गरीबी और अमीरी की का जो गैप है, और जो प्राइवेटाइज सबसे बड़ी एम्प्लॉयर थी रेलवे, उसमें से आधा प्राइवेटाइज हो चुका है ऑलरेडी। क्लास 3 क्लास 4 प्राइवेटाइज हो चुका है। तो जिसको 50,000 तनख्वाह मिलना चाहिए वो 12,000 पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये जो गरीबी बढ़ रही है, चाहे इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इस सरकार की नीतियों की वजह से बढ़ रही है ना, यही मैं कहना चाह रहा। ठीक है सर, थैंक यू।